नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चौधरी कंपटीशन क्लासेस पर। मैं अपनी जीके सीरीज़ का 15वां पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने जीके की 14 पार्ट करा दिए हैं और प्रत्येक पार्ट में 25 जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं आपको, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, जो कि रेलवे NTPC द्वारा 2016-2017 में पूछे भी गए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो एशिया का सबसे जो पुराना तेल क्षेत्र है वह असम। एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगों की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 300 मीटर प्रति सेकंड। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो नवजात शिशु में कुल 300 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं नवजात शिशु में? 300 हड्डियाँ, जबकि एक मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो राइट आंसर लगाइए, आपके पास है चार ऑप्शन। ऑप्शन ए बैंगनी रंग, तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 9वीं क्लास में विभाग्योर में पढ़ा होगा आपने, जो लास्ट में आता है र और प्रारंभ कहाँ से होता है? वी से मतलब वायलेट, आर रेड, यानी लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, सॉरी सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग की जो फ्रिक्वेंसी होती है सबसे कम होती है, और बैंगनी रंग की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है। इस तरह हम जाते हैं तो फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़ती जाती है, और रेड से वॉयलेट की तरफ आते हैं तो तरंगदैर्ध्य घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? वह ब्रोमीन, जबकि जो धातु है वह मरकरी। जो अधातु होती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वह ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत क्या आता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। क्या आता है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद कुतुब अली शाह द्वारा निर्मित निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा प्लेग के उन्मूलन के लिए बनाया गया था? यानी ऐसा कौन सा स्मारक है जो प्लेग को समाप्त करने के लिए मोहम्मद द्वारा बनाया गया था? तो वह है चार मीनार। क्या है? चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वह प्रोसेसर का उदाहरण नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो केंद्र में बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है 5 फीट। कितनी होती है? 5 फीट। केंद्र का मतलब जैसे आपका कोई नेट है बैडमिंटन का, इस प्रकार का जो सेंटर में होगा वहाँ इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी आपकी 5 फीट। कितनी होगी? 5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक के किडनी में अधिक जमा होने के कारण पथरी रोग हो जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सेलेट। कैल्शियम ऑक्सेलेट की जब अधिक मात्रा किडनी में जमा हो जाती है तो पथरी रोग की शिकायत होने लगती है, जबकि कैल्शियम ऑक्सेलेट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है CaC2O4। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला NTPC में, तो आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। जबकि जो हीटर की जो स्प्रिंग होती है, जो कुंडली होती है, वह नाइक्रोम के द्वारा बनी होती है। जबकि विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन आदि गैसें भरी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस कोर्ट में हार्ड कोर्ट एक प्रकार का कोर्ट होता है जिसकी सतह किसके द्वारा बनी होती है? तो टेनिस कोर्ट में एक हार्ड कोर्ट होता है जिसकी सतह कंक्रीट अर्थात ठोस के द्वारा निर्मित होती है। टेनिस में कुल मिलाकर 4 कोर्ट होते हैं, एक हार्ड कोर्ट, ग्रास कोर्ट, कारपेट कोर्ट, क्ले कोर्ट। याद रखें 4 कोर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जिसे 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। जबकि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। जबकि भारत का नेशनल एंथम अर्थात राष्ट्रीय गान है वह जनगण मनगण अधिनायक जय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जबकि प्रकाश की चाल होती है वो होती है 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपने देखा होगा जब किसी बिजली कड़कती है तो पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है जबकि बाद में ध्वनि सुनाई देती है। इसका यही कारण है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से काफ़ी मात्रा में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। जबकि मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और जबकि अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो ठोस आयोडीन का रंग होता है काला। क्या होता है? ठोस आयोडीन का रंग काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी पड़ती है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील पर स्वर्ण मंदिर स्थित है? तो अमृतसर सरोवर झील पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। अमृतसर सरोवर झील पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तकनीक का सबसे पहले विकास किया गया था? तो ऐसी कौन सी तकनीक है जिसका सबसे पहले विकास किया गया था? तो सबसे पहले टेलीस्कोप का विकास किया गया था। जो आपके पास आंसर दिए गए हैं इनमें, टेलीस्कोप का जो निर्माण किया गया था करीब 1600 में किया गया था, जबकि टेलीग्राफ का निर्माण 1700 के मध्य किया गया था, और जबकि टेलीटाइप भी लगभग 1700 के मध्य किया गया था, जबकि टेलीफोन का 1800 के मध्य किया गया था, जबकि टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो के द्वारा किया गया था। दूरबीन का किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। जबकि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, जबकि टेलीग्राफ का आविष्कार सैमुअल मोर्से के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृणालिनी साराभाई किस कला से संबंधित थे? तो मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? भरतनाट्यम से संबंधित थे। तो भरतनाट्यम भारत के तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वर्तमान में जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं वह के पल्लन स्वामी, जबकि गवर्नर है वह है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। जबकि तमिलनाडु की जो राजधानी पड़ती है वह चेन्नई। इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी प्राप्त होती है। जब कोई एक क्वेश्चन आपके पास इस तरीका का आए तो आप एक दूसरे को इसमें लिंक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि क्या होता है इस प्रकार से आप कोई एक लिंक बनाते हैं तो आपको क्वेश्चन जल्दी से याद होते हैं, आप बार बार रिपीट करते हैं तो आपके माइंड में अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती हैं? तो रेडियो तरंगें होती हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच का पहला भारतीय कप्तान कौन था? तो अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच का जो भारतीय कप्तान था वह था अजीत वाडेकर, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था सन 1974 ईस्वी में। जबकि भारतीय टेस्ट टीम का जो प्रथम कप्तान था वह था
सी के नायडू जो कि 1932 ईस्वी में इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला गया था, जो कि भारतीय T20 का जो प्रथम कप्तान था वह था वीरेंद्र सहवाग। कौन था? वीरेंद्र सहवाग, जो कि 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह है कॉपर डाइऑक्साइड, जबकि जो बाद बाकी चार गैस दी गई है वह ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस जो कि हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को लगातार बढ़ाती जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि कर रही है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्यौहार के समय जलियावाला हत्याकांड हुआ था? तो वो जलियावाला हत्याकांड जो हुआ था वह वैसाखी के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? वैसाखी के दिन जलियावाला हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जबकि जनरल डायर ने निहत्ते भारतीय जवानों पर, जो भारतीय भीड़ थी उन पर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया था। इसमें भारतीयों को काफ़ी नुकसान हुआ था, करीब करीब 1000 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। तो यही थे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार किसी भी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। अगर आपको लगा है कि इस वीडियो से मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।